दोस्तों आप सबका फेवरेट शो नागिन 6 और शो को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर प्रथा की जो बहन है महक वो विलन बन चुकी है। वहीं सिम्बा नागपाल का जो किरदार है वो भी अब नेगेटिव शेड में आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, खुद खुलासा किया है सिम्बा नागपाल ने, क्या कहा है अपने नेगेटिव शेड वाले किरदार के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में आप सबको एक मेजर ट्विस्ट देखने को मिलेगा, एक हाई वोल्टेज ड्रामा आपको इस शो में देखने को मिलेगा। और वो ये होने वाला है कि जहां प्रोमो में दिखाया जाता है कि प्रथा, जो कि ऋषभ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपनी शेष नागिन की पावर्स को गिव अप कर देगी और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो ये सब करने वाली है। और इसी के साथ जहां पर उसे एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है, क्योंकि उसी की बहन महक जो कि उसको बैकस्टैप करने वाली है। और प्रोमो में ये भी दिखाया जाता है कि महक और ऋषभ जो कि दोनों ये हाथ मिला लेते हैं, और प्रथा जो कि प्रेग्नेंट है और वो जेल में चली जाएगी, और ये एक बड़ी चीज होने वाली है। लेकिन इसी के साथ अब आपको बताते हैं सिम्बा नागपाल ने क्या कहा है। वो कहते हैं, एज एन एक्टर मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है कुछ अदर काइंड्स ऑफ रोल्स में, जिसमें अदर जैसे पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल। और उन्होंने कहा कि आई चूज टू प्ले, सो आई लाइक टू डू रोल्स दैट एक्साइट मी, कि उन्हें उस तरीके के रोल काफ़ी पसंद है जो कि उनको एक्साइटमेंट होती है जिन रोल्स को करने के लिए। सो आई विश टू प्ले वर्सटाइल कैरेक्टर्स दैट पुश मी टू एक्सप्लोर माई फुल पोटेंशियल एज एन आर्टिस्ट। सो ये उन्होंने बोला है कि उन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, यानी कि उनका जो किरदार है वो अब नेगेटिव होने वाला है, और नेगेटिव किरदार के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। वेल, आप सब क्या कहना चाहते हैं, कितने एक्साइटेड हैं अपकमिंग ट्रैक के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।